स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से। अहम जानकारी सामने आ रही है, 5 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। विधानसभा सत्र की अधिसूचना की गई जारी। 5 फरवरी को सुबह 11 बजे शुरू होगी कार्यवाही। यूसीसी से जुड़ा विधेयक हो सकता है पेश। 8 सितंबर 2023 को अनिश्चितकाल के लिए हुआ था स्थगित, तो विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है और 5 फरवरी से शुरू हो जाएगी कार्यवाही। तो देहरादून से अहम जानकारी सामने आ रही है, 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा और विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 5 फरवरी को सुबह 11 बजे से कार्यवाही शुरू की जाएगी। इस दौरान यूसीसी से जुड़ा विधेयक पेश किया जा सकता है। 8 सितंबर 2023 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी कार्यवाही। तो विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है और 5 फरवरी से जो है यह शुरू की जाएगी, विधानसभा की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू की जाएगी। ये इस दौरान जो है ये विधानसभा सत्र काफी अहम हो सकता है क्योंकि यूसीसी से जुड़ा विधेयक इस दौरान जो है पास हो सकते हैं और इस पर प्रस्ताव लग सकती है। 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। विधानसभा सत्र की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तो उत्तराखंड विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है और 5 फरवरी को सुबह 11 बजे से इसकी कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। काफ़ी अहम होने वाला है विधानसभा का सत्र क्योंकि इस दौरान काफ़ी लंबे समय से चल रहे यूसीसी का मुद्दा जो कि जिसको लेकर इस दौरान प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, सदन के पटल पर इस प्रस्ताव को रखा जा सकता है। तो देहरादून से अहम जानकारी सामने आ रही, विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है और 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है और सुबह 11 बजे से कार्यवाही शुरू हो जाएगी। और इसी खबर पर हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। अभय, विधानसभा सत्र का आगाज जो है 5 फरवरी से होने जा रहा है, कितना कुछ खास होगा इस दौरान? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड विधानसभा का जो सत्र शुरू होने जा रहा है विशेष सत्र, ये काफी महत्वपूर्ण सत्र यहाँ पर कहा जा सकता है क्योंकि सरकार को जो अभी तक की जो जानकारी मिल रही है उसमें कहा जा सकता है कि सरकार ने जो चुनाव से पहले यूसीसी का जो वायदा किया था उस वायदे पर यूसीसी की जो ड्राफ्ट कमेटी है वो अपना ड्राफ्ट सरकार को 2 फरवरी तक यहाँ पर सौंप सकती है और उसके बाद जो 5 फरवरी से विधानसभा का विशेष सत्र आउट हो रहा है उस सत्र के दौरान सरकार यूसीसी विधेयक को सदन के पटल पर यहाँ पर ला सकती है। और जैसा की उम्मीद है की अगर ये सब चीजें तय समय पर यहाँ पर होती है तो फिर उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य होगा जहां पर यूसीसी कानून यहां पर लागू होगा और उसके लिए पूरी तैयारी सरकार की तरफ से की जा चुकी है। यानी हर संभव चीजें जो अभी तक इस कानून से जुड़ी जो चीजें थी उनके लिए सरकार तैयार यहां पर है। सिर्फ इंतजार इस बात का था कि जो यूसीसी की जो ड्राफ्ट कमेटी है वो अपना ड्राफ्ट कब तक सरकार को सौंपेगी। और संभावना यही है कि अगर सरकार ने 5 फरवरी से सत्र आहूत यहां पर कर दिया तो फिर उससे पहले सरकार को ड्राफ्ट यहां पर मिलने लग जाएगा। सरकार उसका तय समय परीक्षण कराएगी और फिर उसको लागू करने का काम यहां पर करेगी। इसके अलावा जो राज्य आंदोलन कार्यों से जुड़ा हुआ जो 10% क्षतिज आरक्षण का जो विधेयक है उसको एक बार फिर सदन के पटल पर रखने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा क्योंकि प्रवर समिति की तरफ से जो उसमें कुछ संशोधन किए गए उन संशोधनों के साथ इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा जाएगा और उसे पास कराने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा जो ऐतिहासिक इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि राज्य आंदोलनकारी लगातार लंबे समय से इस विधेयक की मांग यहाँ पर कर रहे थे, इसे लागू करने की मांग यहाँ पर कर रहे थे और उस पर अब ये कह सकते हैं कि सरकार ने अपना अंतिम कदम यहाँ पर बढ़ा लिया। प्रवर समिति की तरफ से ये विधेयक संशोधित जो विधेयक है उसको पास करने का काम यहाँ पर कर दिया गया, सरकार को सौंप दिया गया और सरकार इस सत्र में उस आरक्षण विधेयक को लाने का काम यहाँ पर करेगी। यानी इस सत्र के बाद ये कहा जा सकता है कि राज्य सरकार के अधीन की जो नौकरियाँ हैं उनमें जो राज्य आंदोलनकारी या उनके जो आश्रित हैं उनको 10% क्षतिज आरक्षण सरकार की नौकरियों में मिलने लगेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक यहाँ पर कहा जा सकता है। तो ये कई मायनों में महत्वपूर्ण है जो ऐतिहासिक भी रहेगा सरकार के लिए और उपलब्धियों भरा भी ये सत्र कहा जा सकता है। जी, अब विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी की गई है, क्या कुछ इस दौरान जो है जानकारी दी गई है इसमें? बिल्कुल, उत्तराखंड विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 5 फरवरी से 8 फरवरी के मध्य विधानसभा का यह सत्र विशेष सत्र आहूत होगा।
5 फरवरी को सुबह 11 बजे से इस सत्र की कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि पूर्व में ये कह सकते हैं कि सितंबर माह में सितंबर 2023 में जो विधानसभा का जो सत्र आहूत हुआ था वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित नहीं हुआ, अनिश्चितकाल के लिए जो स्थगित हुआ था उस सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ था, और यही वजह है कि सरकार ने अब उस सत्रावसान न होने के बाद इस सत्र को कंटिन्यू यहाँ पर रखा है, और इसीलिए विशेष सत्र यहाँ पर बुलाया गया है, और 5 फरवरी से ये सत्र यहाँ पर शुरू होगा, 8 फरवरी तक ये चलेगा, और इस दौरान सरकार की तरफ से जो विधेयक है वो सदन के पटल पर रखने का काम यहाँ पर किया जाएगा। सरकार के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि पिछले सत्र के दौरान यानी 2023 में सितंबर 2023 में जो सरकार ने जो सत्र आहूत किया था उसमें राज्य आंदोलनकारियों का जो क्षतिज आरक्षण का जो विधेयक था वो सदन में प्रवर समिति को सौंपने का काम वहाँ पर किया गया था, क्योंकि कुछ ऐसी शंकाएँ थी जिनको आगे फलीभूत किया जा सकता था, जिन पर विरोध वहाँ पर हो सकता था, इसलिए उन सब चीज़ों को दूर करने का काम प्रवर समिति को यहाँ पर दे दिया गया था। प्रवर समिति की तरफ से पूरा परीक्षण करने के बाद सुझावों पर इम्प्लीमेंट करने के बाद एक नए कुछ संशोधन उस विधेयक में यहाँ पर किए गए हैं, और अब वो विधेयक सरकार के पास पहुँच चुका है, और सरकार इस विशेष सत्र में उस विधेयक को लाने का काम यहाँ पर करेगी। तो ये समझा जा सकता है कि 5 फरवरी से विधानसभा सत्र की जो अधिसूचना जारी हुई है ये सत्र काफ़ी मायनों में महत्वपूर्ण भी है, सरकार के लिए आने वाले दिनों में ये सत्र चुनाव के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, उपलब्धि भरा कहा जा सकता है, जिसका लाभ सरकार चुनाव के दौरान भी लेना चाहेगी। जी अब है UCC अगर इस दौरान जो है पास हो जाता है यह बिल तो कहीं ना कहीं पर्सनल जो लॉ है उसका अस्तित्व खत्म हो सकता है प्रदेश में। बिल्कुल, इन सब चीज़ों का परीक्षण ये जो ड्राफ्ट कमेटी है उसका जब ड्राफ्ट सरकार को मिलेगा तो उसका परीक्षण लॉ विभाग की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा, यानी जो कानूनी जो राय है उन कानूनी राय का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, जो विशेषज्ञ समिति ने जो ड्राफ्ट में अपनी चीज़ें यहाँ पर बताई होंगी उन सभी चीज़ों का परीक्षण यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि सरकार चाहेगी कि जब सरकार उस विधेयक को सदन के पटल पर रखे तो उससे पहले जो कमियाँ उस विधेयक में वो सभी दूर यहाँ पर की जा सकती है, ताकि निकट भविष्य में कोई भी उस विधेयक को ना तो कोर्ट में चैलेंज कर पाए या फिर दूसरी जो आपत्तियां उन आपत्तियों को ना लगा पाए, क्योंकि पहले से ही उन सब चीज़ों का समाधान यहां पर कर लिया जाएगा। इसके अलावा राज्य के भीतर जो विभिन्न तरह के समुदाय या जातियां यहां पर निवास करती हैं उनके जो अधिकार हैं उन अधिकारों का भी हनन यहां पर ना हो, इसलिए उन सब चीज़ों को लेकर सभी लोगों से राय मशवरा भी यहां पर इस ड्राफ्टिंग कमेटी की तरफ से यहां पर किया गया था, सभी लोगों से राय भी यहां पर ली गई थी, यानी उत्तराखंड के विभिन्न दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर भी समिति की तरफ से ऑनलाइन और ऑफलाइन इसके सुझाव यहां पर मांगे गए थे कि उनकी तरफ से इस UCC कानून को लेकर क्या कुछ यहाँ पर किया जा सकता है, कैसे अब उनके अधिकारों को संरक्षित किया जा सकता है, साथ ही एक ऐसा कानून यहाँ पर लाया जा सकता है जिसके तहत सभी लोग सुरक्षित और संभावित तरीके से यहाँ पर रह सकते हैं, और सरकार ने ये वायदा पूर्व में भी किया था और उस वायदे के कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट करने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है, यानी जल्द ही सरकार को UCC की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका ड्राफ्ट सरकार को मिल पाएगा और सरकार उसका परीक्षण कराने के बाद उसे सदन के पटल पर लाने का काम करेगी। उम्मीद ये की जा सकती है कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले इस विधेयक को लागू कराने का काम करेगी, क्योंकि उत्तराखंड राज्य के लिए जो काम धामी सरकार ने यहाँ पर किया, जो वायदा किया था उसको पूरा करने का समय आ गया है। जी अभय बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर भी आपका रुख करेंगे। और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, उत्तराखंड कांग्रेस की आज 2 महत्वपूर्ण बैठक, चैनिका उनियाल करेंगी मीडिया कमेटी की अध्यक्षता, मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक होगी आहूत। तो देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, आज देहरादून से ये खबर सामने आपके साथ साझा करें, उत्तराखंड कांग्रेस की आज 2 महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, चैनिका उनियाल आज मीडिया कमेटी की अध्यक्षता करेंगी, मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक आहूत होगी इस दौरान। तो उत्तराखंड कांग्रेस की आज 2 महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और देहरादून से ये खबर साझा करें आपके साथ, उत्तराखंड कांग्रेस की 2 महत्वपूर्ण बैठक जो है होने जा रही है, चैनिका उनियाल मीडिया कमेटी की अध्यक्षता करेंगी। और अभय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अभय उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की आज बैठक होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, उत्तराखंड कांग्रेस की आज ये महत्वपूर्ण बैठकें यहाँ से शुरू हो चुकी है, कल देर शाम भी एक बैठक यहाँ पर हुई थी जिसमें ये कह सकते हैं कि स्क्रीन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं भगवत चंद वो यहाँ पर पहुँचे थे, उनकी तरफ से वरिष्ठ कांग्रेसजनों के साथ ये बैठक की गई थी, और आज भी 2 महत्वपूर्ण बैठकें हैं, यानी मीडिया की किस तरीके से भूमिका रहेगी, मीडिया में कांग्रेस किस तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेगी, उसके लिए जो मीडिया कोऑर्डिनेटर यहाँ पर आई हुई हैं चैनिका उनियाल पांडे, उनकी तरफ से बैठक यहाँ पर की जा रही है, जो कांग्रेस के जो मीडिया पर्सन है या जो प्रवक्ता हैं स्पोकन पर्सन
है, उन सभी के साथ ये बैठक हो रही है। उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि चुनाव के लिहाज से कैसे पार्टी का पक्ष अब जनता के बीच में रखा जा सकता है, मीडिया के माध्यम से कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन्हें मीडिया के माध्यम से जनता के बीच उठाने का काम कांग्रेस की तरफ से किया जा सकता है, उन सब विषयों पर बातचीत होगी। इसके अलावा स्क्रीनिंग कमेटी की एक बड़ी बैठक दोपहर बाद यहाँ पर कांग्रेस में होने जा रही है, जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, चाहे आप पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष हो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और कोशिश यही है कि अब एकजुटता के साथ कांग्रेस अपने इस चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाए और जो चीज़ें कांग्रेस में पूर्व में नहीं देखी जाती थी, गुटबाजी जो होती थी, उसको खत्म यहाँ पर किया जा सके, ताकि कांग्रेस समय पहले ये चुनाव से पहले एक मजबूत संगठन रूप में जनता के सामने जा सके, जनता के लिए एक बेहतर विकल्प यहाँ पर बन सके और पाँचों लोकसभा सीटों के लिए जो कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाई है उस रणनीति के तहत चुनाव जीतने का काम यहाँ पर करे। जी 28 को जो है मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रदेश के दौरे पर हैं और इसको लेकर भी जो है पार्टी की ओर से कई तरह की बातें सामने आ रही है। क्या लोकसभा चुनाव को लेकर और क्या तैयारियां की जा रही है पार्टी राज्य की जो कांग्रेस पार्टी है? टिपिकल लोकसभा चुनाव हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तराखंड का दौरा हो, पार्टी 24 घंटे यहां पर अपनी रणनीति बनाते नजर आ रही है, 24 घंटे एक्टिव मोड पर यहां पर नजर आ रही है। कांग्रेस के जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो सभी अपने दायित्वों को, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए नजर आ रहे हैं और ये समझा जा सकता है कि अब उत्तराखंड में जो चुनावी जो मुकाबला है वो दिलचस्प इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कांग्रेस लगातार जो अपने काम यहां पर कर रही है, जो रणनीति के तहत अपनी रणनीतियां आगे बढ़ाने का काम कर रही है, नेताओं को जिम्मेदारी दे रही है, उससे चुनावी जो मुकाबला वो दिलचस्प होता नजर आया क्योंकि कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि आगामी 15 फरवरी तक कांग्रेस अपने लोकसभा चुनाव के जो पांचों प्रत्याशी होंगे, समाज प्रत्याशी होंगे, उनके नामों की घोषणा यहां पर कर देगी ताकि तय समय पर अपनी चुनावी तैयारियां यहां पर कर सके। पार्टी के जो दूसरे नाराज नेता होंगे उनको मनाने का काम यहां पर किया जाएगा और संगठन को एकजुट करके मजबूत संगठन के साथ चुनाव लड़ने का काम उनकी तरफ से किया जाएगा। कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी देहरादून पहुंच रहे हैं, उनकी एक जनसभा भी देहरादून में होगी, पार्टी का जो प्रदेश मुख्यालय है वहां पर भी उनकी प्रदेश पदाधिकारी बैठक यहां पर होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक्टिव जो कार्यकर्ता है, यानी बूथ स्तर के जो एक्टिव कार्यकर्ता है, उन सभी को संवाद के लिए देहरादून यहां पर बुलाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ सीधा संवाद वहां पर करेंगे, तो यह समझा जा सकता है कि कांग्रेस की तरफ से अब लोकसभा चुनाव के लिए पूरी कमर यहां पर कस ली गई है और अपने नेताओं के माध्यम से अपने जो जनहित के जो मुद्दे कांग्रेस के पास, उन मुद्दों के माध्यम से संगठन की रीति नीति जनता के बीच पहुंचाएंगे, संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से यहां पर रहेगी। जी अब है क्या लगता है लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी जो है अपने रूठे हुए नेताओं को मना पाएगी, एकजुट कर पाएगी? देखिए पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती रूठे हुए नेताओं को मनाने की नहीं बल्कि अलग अलग धड़ों में बंटी हुई कांग्रेस को एकजुट करने की है। कांग्रेस की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि जो नेता इस समय अलग अलग धड़ों में बंटे हुए नजर आ रहे हैं, जो कार्यकर्ता अलग अलग धड़ों में बंटे हुए नजर आ रहे हैं, उनको कैसे एकजुट यहाँ पर किया जा सकता है, कैसे उनको एक रूप एक धागे में पिरोने का काम यहाँ पर किया जा सकता है ताकि संगठन मजबूती के साथ आगे बढ़ सके, एकजुटता के साथ आगे बढ़ सके, जनता को ये भरोसा दिला सके कि जो विपक्ष है वो उनके लिए एक बेहतर विकल्प है चुनाव जीतने का, उनके जो जनप्रतिनिधि होंगे वो उनकी आवाज़ को उठाने का काम यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा जो मुद्दे होंगे जनहित से जुड़े जो मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को कांग्रेस इस चुनाव में उठाने का काम यहाँ पर करेगी, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाने का काम यहाँ पर करेगी, उन सब चीज़ों को तय करने का काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। तो ये समझा जा सकता है कांग्रेस के लिए चुनौतियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन जिस प्रकार से इस समय कांग्रेस का संगठन काम यहाँ पर कर रहा है तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कांग्रेस इस चुनाव को बेहतर मैनेजमेंट के साथ, बेहतर तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी यहां पर कर रही है। जी अब अगर हम इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो इन दोनों पूरा एक एक करके बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में कांग्रेस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा बीजेपी को मात देना? कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस रूप में यहाँ पर कही जा सकती है कि जो इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल है उनका उत्तराखंड में अस्तित्व बहुत कम यहाँ पर नजर आता है, क्योंकि चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो, उनका सिर्फ एक या दो सीटों पर ही थोड़ा बहुत वर्चस्व नजर आता है, लेकिन मुख्य मुकाबला उत्तराखंड के भीतर अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर भाजपा कांग्रेस के बीच में नजर आता है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की कोशिश भी यही रहेगी कि उनके साथ बातचीत यहाँ पर की जा सके, बातचीत के जरिए उनका आपसी समाधान यहाँ पर निकाला जा सके, कम से कम उत्तराखंड में सीटों के बंटवारे पर तो ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो यहाँ पर जीत नहीं करेंगे या कोई अड़ंगा डालने का काम यहाँ पर नहीं करेंगे। फिलहाल अभी तक तो यही समझा जा सकता है कि जो गठबंधन है वो उत्तराखंड में खतरे की जद में आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चाहे समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो, दोनों ही इस चुनाव को लेकर अपनी अपनी मंशा स्पष्ट कर चुके हैं, सीटों को लेकर अपनी अपनी दावेदारी पेश यहाँ पर कर चुके हैं। जी अभय बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
बढ़ते हैं आगे। खबर देहरादून से है, जहां नगर निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण तय करने के लिए रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई। बता दें कि बीएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। साल 2022 में वर्मा आयोग का गठन किया गया था। वहीं आयोग ने रिपोर्ट में ओबीसी आरक्षण के संबंध में अपने सुझाव सरकार को दिए थे। साथ ही रिपोर्ट सौंपे जाने के मौके पर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी उपस्थित रहे। और खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर जाति और धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रदेश में जिस प्रकार से दुर्भावना के साथ भाजपा सरकार काम कर रही है वह सही नहीं है और जनता इसका जवाब जरूर देगी। कांग्रेस का आरोप है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का देहरादून में दौरा है, वह जनसभा करना चाहते हैं लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें परेड मैदान नहीं दिया जा रहा है, जो एक दलित नेता का अपमान है और कांग्रेस इसका जवाब जरूर देगी। देखिए, मैंने कहा ना कि दलित और सरकार, दलित अगर हमारे आदरणीय अध्यक्ष दलित हैं, उन्हें तो हमेशा वो समाज कमजोर तबके को, मैं भी उस समाज का एक अंग हूँ, हिस्सा हूँ, और कांग्रेस में इस तरह की कभी भी भावना नहीं रही कांग्रेस दल में कि ये किस संप्रदाय से, किस समुदाय से, किस जाति से है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी तो सीधे धर्म और जाति की राजनीति कर रही है और मेरा मानना है कि ये भेदभाव आखिर क्यों, कब तक ये प्रस्तुत होंगे, ये जनता सब जवाब देगी इनको, जो इन्होंने किया है, जिस तरह का आचरण किया, जिस तरह का व्यवहार है, जिस तरह की मानसिकता है, जिस तरह की मनोवृत्ति है, उसका जवाब जनता देगी। और खबर रुड़की से है, जहां 26 जनवरी 2024 को पिरान कलियर शरीफ विश्वविख्यात दरगाह में देश की आजादी के बाद पहली बार देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन शादाब शम्स के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे और सैकड़ों की तादाद जायरीनों और क्षेत्रीय लोगों के साथ मिलकर भारत माता की जय के नारे लगाए। साथ ही इस कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने बताया कि देश के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं रहनी चाहिए जहां तिरंगा ना फहराया जाए और कहा कि हमारा मानना है राष्ट्र प्रथम है। गणतंत्र दिवस में या स्वतंत्रता दिवस का यहाँ पे कोई झंडा नहीं फहराया गया पिछले 70-75 वर्षों से, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और हम लोगों ने तय किया कि हम लोग उन सौभाग्यशाली लोगों में शामिल होंगे जो इसके चश्मदीद गवाह बनेंगे। और आज मुझे बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि मुझे इस तिरंगे को पीरान कलियर दरगाह, पीरान कलियर शरीफ में लहराने का मौका मिला और मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव नोट है। और हम यहाँ आज वादा करते हैं कि आज के बाद जब तक हम जिंदा हैं यहाँ हर साल ये तिरंगा लहराएगा, 15 अगस्त पे भी और 26 जनवरी पे भी, ये हमारा कमिटमेंट है। और खबर हरिद्वार से है, जहां सरकार की स्वच्छता अभियान को प्रशासनिक अमला किस तरह से पलीता लगाने का काम कर रहा है, इसकी एक बानगी हरिद्वार की एक कॉलोनी में देखने को मिली। हरिद्वार के बहादराबाद में राधिका एंक्लेव के लोग पिछले 4 महीने से कॉलोनी में हुए जल भराव से परेशान है। कॉलोनी वासी को न केवल दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है बल्कि उन पर गंभीर बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। प्रधान से लेकर विधायक, सांसद और जिलाधिकारी तक अपनी गुहार लगा चुके हैं। कॉलोनी वासियों ने अब प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद उन्होंने इसी पानी में जल समाधि लेने की बात कही है। पिछले 6 महीने से हम लोग ये दिक्कत झेल रहे हैं, इतना सारा पानी भरा हुआ है जैसा कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा। इतने 6 महीने से हम लोग ये झेलते आ रहे हैं और सबको हमने बोल दिया है, सारी सरकार को टटोल लिया है, पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई भी कुछ करने के लिए हमारी सोल्यूशन लाया ही नहीं है अभी तक। प्रॉब्लम यह आ रही है कि यहाँ पे से जाने आने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कभी कुछ जाना होता है इमरजेंसी में तो बच्चे गिर जाते हैं। बताओ, स्कूल ड्रेस में अगर बच्चे जा रहे हैं, गिर रहे हैं, तो कब तक हम लोग ये परेशानी झेलेंगे? प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा है इन सब के बारे में। हम यहाँ के शासन से, प्रशासन से उनको हम चेतावनी दे रहे हैं, अगर ये रास्ते का, इस पानी का समाधान नहीं होता तो हम यहाँ पर लगातार, जो हमारी महिलाएं हैं, हमारे संगठन के लोग हैं और हमको जो क्षेत्रवासी है, हम यहाँ पर अपना प्रदर्शन करेंगे और अनिश्चितकाल
समय तक हम यहाँ पर बैठेंगे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। हम यहाँ पर अनशन पर बैठेंगे और जो हमारे हम लोग यहाँ पर जो अगर जल का समाधान नहीं होता तो जल समाधि का कार्य करेंगे। उत्तराखंड राज्य के लिए बीता साल 2023 उपलब्धियां भर रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हुए हैं, उनमें से 25,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू की ग्राउंडिंग हो चुकी है। छठे वर्ल्ड डिजास्टर से लड़ने की चुनौतियों पर मंथन हुआ है। चार धाम यात्रा और कांवड़ यात्रा ने अपने लिए नए रिकॉर्ड भी स्थापित किए हैं। राज्य में युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए सरकार ने कई सारी योजनाएं भी चलाई है जिसका लाभ अब मिलने लगा है और यह सब उत्तराखंड राज्य के लिए विकास के लिए आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होने वाला है। उत्तराखंड की उपलब्धियों को गिनो 2023 में तो बहुत गर्व होता है। जिस प्रकार से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया 3.54 लाख करोड़ का एमओयू हुआ, 25,000 करोड़ का ग्राउंडिंग हुआ, जो छठी वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट की, और हर क्षेत्र के अंदर में चाहे वो रेलवे रोप वे एयरवेज हो उसके अंदर में विकास किया। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मातृशक्ति हमारी आर्थिकी की रीढ़ है, हमारे युवा हमारी ताकत है, ये हमारे देश राज्य के वर्तमान भी हैं, प्रेजेंट मोमेंट भी हैं और भविष्य भी हैं। टूरिज्म हमारी आर्थिकी की का सबसे बड़ा जरिया है। और खबर देहरादून से है जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि कार चालक का आमजन को डरा धमका कर गाली गलौज करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर एसएसपी ने तत्काल संज्ञान लिया और अभियुक्त के विरुद्ध तत्काल मुकदमा दर्ज कराकर गिरफ्तार कर लिया है। मामला थाना कैंट क्षेत्र का बताया जा रहा है। और पहाड़ों में इन सर्दियों में आगजनी की घटनाओं ने वन विभाग की परेशानियां बढ़ा दी है। चमोली और बागेश्वर में आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आई हैं और वन विभाग का मानना है कि इस बार बरसात ना होने की वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। हालांकि वन विभाग के अधिकारी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल का इस बात पर कहना है कि इस बार मौसम की बेरुखी से आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। बीते वर्ष 2022-23 में इस तरह की घटनाएं जहां 50% थी, वहीं 2023-24 में यह आंकड़ा 20% रह गया है और इस बार के फायर सीजन को लेकर विभाग पूरी तरह से तैयार है। तैयार रहते हैं और हमने देखा कि विगत दो वर्षों में और वर्षों के मुकाबले पहले आप देखेंगे ये 22-23 में 50% पाया और 23-24 में इसको 20% कम ले आए थे। अब जिस तरह से इस बार देखें आपने क्या बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, जमीन में वैसे भू खत्म हो गया तो पहली बार जाड़ों में भी मनाग्नि की खबरें सुनने में आ रही है और कई चमोली जिले में तो काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो उसको लेकर के पूरी अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं और हमारा पूरा जो CCF फायर मैनेजमेंट है वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं। वही खबर हरिद्वार के सबसे व्यस्त मोती बाजार के व्यापारियों ने नई पहल की शुरुआत की है। व्यापारियों ने आग से बचाव के लिए खुद के पैसों से अग्निशमन सिलेंडर लगाए हैं। बाजार की संकीर्ण गलियों में सिलेंडर लगाकर चाबी उन स्थलों को सौंपी है जो कि 24 घंटे खुले रहते हैं। आपको बता दें कि हड़की पौड़ी के नजदीक होने के कारण हरिद्वार के मोती बाजार में साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। यहाँ कई बार हादसे भी हुए लेकिन बाजार की तंग गलियों से फायर ब्रिगेड की गाड़ी तय समय पर नहीं पहुंच पाई थी। हादसों से ये सबक लेते हुए व्यापारियों ने खुद के पैसे से एकत्रित किए और 14 अग्निशमन सिलेंडर खरीद कर बाजार में लगा दिए।
और कांग्रेस के प्रवक्ता करण महाराज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सुनाते हैं। काबिले तारीफ है, मैं अपना और कांग्रेस का सौभाग्य समझता हूँ कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी उत्तराखंड आ रहे हैं और 2024 के चुनाव बहुत निकट हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी देश में समय चल रही है जो मणिपुर से मुंबई तक है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का उत्तराखंड का दौरा हम सबको उत्साहित करे हुए है। 3 लगातार दिन बहुत व्यस्तता के हैं, कल हमारी स्क्रीनिंग कमेटी आई और इस समय भी स्क्रीनिंग कमेटी लोगों से मिल रही है। आज 3 बजे से अमरीक हॉल में मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक है, उसकी भी तैयारियां हैं। आदरणीय प्रीतम सिंह जी और आदरणीय यशपाल आर्य जी हमारे LOP साहब उसकी तैयारी में लगे हैं, वो KPS देव साहब के साथ इस समय मीटिंग ले रहे हैं। वहीं आदरणीय हरीश रावत जी और हमारे गणेश गोदियाल जी, प्रकाश भाई हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी, प्रदीप भाई और हम सब लोग, आदरणीय चैनिका जी, PK साहब, हम सब लोग आज आप सबके सामने मुखातिब हैं और मैं चाहूँगा कल के उपलक्ष्य में कुछ चीज़ें आदरणीय हरीश रावत जी हम लोगों को दिशा निर्देश देंगे, थोड़ा संबोधित करेंगे। अध्यक्ष जी और सभी मीडिया के दोस्तों, हम लोग सब लोग पूरी कांग्रेस बड़े उत्साह से कल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जो अलायंस के भी अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत करें। स्वागत की तैयारियां पूरे जोश खरोश के साथ, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ी उमंग, उनमें बहुत जोश कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार इस देवभूमि में आ रहे। इस मौके पर हम सब कांग्रेस जन आप सबको भी कल अपनी उस खुशी में, अपनी उस उमंग और जोश में आमंत्रित करना चाहते हैं। सारे मीडिया के दोस्त आप सादर आमंत्रित हैं। हमने जो अध्यक्ष जी का आगमन है, क्यों वो सारे देश भर में जा रहे हैं, लेकिन हमारी देवभूमि को उन्होंने 2024 में। तो देहरादून से अभी आप प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को सुन रहे थे। और फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।